सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। G20 समिट खत्म हो गया, जिसके चलते आगरा में G20 प्रतिनिधि मंडल की विदाई में मंडलायुक्त जिलाधिकारी उपस्थित रहे और मेहमानों की भव्य विदाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसको लेकर स्कूली बच्चे और आमजन ने झंडे दिखाकर पुष्प वर्षा कर मेहमानों की विदाई की। साथ ही महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर ही दुनिया के आगे बढ़ सकती है, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर रोड मैप भी तैयार किया गया। What is your name and where are you from? My name is Ana Nogueira. I'm from Brazil and it was such a pleasure to be here and I would like to thank you so much for the Indian government, the government of Uttar Pradesh, the organizers of G20 Empower for this wonderful meeting, for the warm welcome, and I hope all these discussions can trickle down to the village, can bring real change and real empowerment to all the women in India. What I want to say Agra, about Agra? Agra is so beautiful. It was my first time in Agra. Thank you, Agra. It's been a marvelous experience here. The city looks so extremely pretty, the flowers, the hospitality of all you people, the police, the security services. We've been really heartfelt by your welcome. We had very good discussions. We need to do a lot of work, but we're all doing our best to make the G20 India year a great and grand success for India and for the world. अलीगढ़ के धारा सिविल लाइन इलाके में एएमयू चुंगी गेट पर माफियाओं द्वारा कब्जा की जा रही संपत्ति पर डीएम के निर्देश के बाद आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक अबैंडेंड ट्रस्ट की बिल्डिंग थी जिस पे भूमाफियाओं की निगाह थी और वो इस पे कब्जा करके इसको तोड़ना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। इसको रोका गया है, बचाया गया है, उसी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित होंगे। इसके अलावा आधार बनाने का एक केंद्र संचालित होगा। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक उपयोग में, बच्चों के उपयोग में आने के लिए भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई बिल्डिंग है। इसका रेनोवेशन कराया गया है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको खूबसूरत बनाया गया है और अब ये जनउपयोगी बनाकर लोगों को शीघ्र ही समर्पित कर दी जाएगी। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर मासूम बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतक बच्चे का पिता मजदूरी करता है। वहीं घटना के समय बच्चे की मां पर बाहर गई हुई थी। आपको बता दें कि घटना के समय बच्चे की मां बाहर गई हुई थी और बच्चा अपनी बहन के साथ घर में सो रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 38 नाइजीरियन नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला प्रकाश में आया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फर्जी आधार स्वामियों की सूची पुलिस के साथ साझा की है। विधायक नीरज शर्मा ने नाइजीरियन नागरिकों के आधार कार्ड के सत्यापन के लिए मोहर के इस्तेमाल से इनकार किया है। लालच में देश की रक्षा सुरक्षा को इतना खतरे में डाल दिया कि मेरी फर्जी मोहर का इस्तेमाल करके तकरीबन 40-50 विदेशी मूल के लोगों के आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स सत्यापित किए हैं। पुलिस को मैंने शिकायत कर दी है। पहले भी कुछ ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग पकड़े गए थे और प्रशासन से मेरी मांग है कि बेथुरा के पसुआ गांव बीएलओ सत्यनारायण सिंह के साथ वोटर पुनरीक्षण कार्य के दौरान मारपीट और अभद्रता की गई। बीएलओ ने बताया कि गांव के ही अरविंद सिंह अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अनिल सरोज के वोटर भी शामिल करने का दबाव बनाया है। दोनों के आधार कार्ड कानपुर नगर के होने के कारण वोटर में शामिल करने से मना कर दिया गया, जिस पर अरविंद सिंह ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। पुलिस ने बीएलओ की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की तैयारी कर रही है। पसुआ का बीएलओ हूँ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड बीएलओ हूँ
और वहाँ पर बीएलओ का कार्य सघन कार्य सघन तौर पे चल रहा है। मैं पुनिचर का कार्य कर रहा था तो अनिल कुमार सिंह अपना वोट बनवाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड मुझे दीजिए। मैंने कहा आधार कार्ड दीजिए, तो बोले कि आधार कार्ड दूंगा लेकिन उसमें पता, मैंने कहा पता उसमें गांव का होना चाहिए, बोले गांव का नहीं है। तो हमने कहा तब नहीं बन पाएगा, कि बन कैसे नहीं पाएगा, बनाओ वैसे ही बनाओ, तो मैंने मना कर दिया। रायबरेली में गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने से चंद कदम की दूरी पर दादा बाबा के मंदिर परिसर में लड़कियों के साथ हो रही अश्लील हरकतों का वीडियो सामने आया है, जिसमें जिसके बाद एंटी रोमियो अभियान की पोल खुल गई है। जानकारी के मुताबिक लड़कियों को बिना नंबर की कार से आए दो युवक मंदिर परिसर में ले आए थे, जिसके बाद युवकों ने लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिले टाइम बम के मामले में आईबी की सूचना पर एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी, एसएसपी अनुकृति शर्मा ने नई मंडी चौकी 40 फुटा रोड निवासी एक युवक को हिरासत में लिया और युवक के घर पर सघन जांच पड़ताल की। परिजनों ने बताया कि बेटे का आतंकी संगठन ड्रग्स माफिया से कोई संबंध नहीं है। 3 माह पूर्व अनूप शहर के निवासी दरी व्यापारी बबलू से दरी कंबल लेकर मुजफ्फरपुर गया था, जहां किराए के मकान में रह रहे मजदूर अनैतिक कार्यों में संलिप्त थे। पुलिस ने अधिकारियों ने कहा कि आईबी की सूचना युवक के घर पर तलाशी ली है, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। रायबरेली के महानंदपुर गांव में एक बेटे ने अपने पिता के साथ मारपीट कर रुपए छीन लिए हैं। पीड़ित ने बताया कि गलत हरकतों के कारण बेटे को चल अचल संपत्ति से बेदखल किया, जमीन में बावड़ी बनवाते समय मारपीट करने लगा, डायल 112 को सूचित करने पर फोन तोड़ दिया और 48,750 रुपए सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और 24 घंटे में बेटे की गिरफ्तारी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। मासी पूरे ग्रीवसा न्यू बस्ती रायबरेली थाना कोतवाली का रहने वाला हूं। क्या हुआ है? मेरे साथ आए दिन मेरे बड़े बेटे हिमांशु सिंह मारपीट करते हैं और मुझसे हिस्सा मांग करते हैं। मैं अपने क्रय किए हुए प्लाट पे बाउंड्री बनवा रहा था, मेरे मिस्त्री और लेबरों को मारकर भगा दिया। लगभग रायबरेली के मानेवर काशीराम विद्यालय गदागंज की कक्षा 9 की छात्रा दक्षिता को जहरीला पदार्थ दिया गया। छात्रा की शरीर काली पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थित नाजुक होने पर छात्रा को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने छात्रा का स्वास्थ्य नाजुक बताया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि स्कूल में दवा खिलाने से बेटी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। कि हमारे महामाया विद्यालय में दवा खिलाया, जब से दिक्कत आई है और मैंने दवाई कराते इसके सूझन है और पीली पड़ गई शरीर, कुछ खाती पीती नहीं, एक आदमी उठाता बैठाता है, रोती है सारी रात सारा दिन। कब खिलाएं दवा? शनिवार को। काहे की दवा खिलाए थे? पता नहीं काहे दवा खिलाया, कि डॉक बता रहे हैं हमारे बीटीएस समझने जा रहे काहे दवा खिलाए। कोई दवा खिलाई गई थी स्कूल में, तो दवा खाने स्कूल में काशीराम महाविद्यालय जी, उसके बाद दवा खाने के बाद शरीर पूरा सुन्न पड़ चुका था, दर्द पेट दर्द सर दर्द और कहते हैं मतलब मम्मी से बोले घर पे नहीं है। उसके बाद इसको अस्पताल ले गया, फोन भी किया गया, मास्टर को फोन भी किया गया, तो बोल रहे हैं कि जो करना करिए जाके, हम नहीं आएंगे। रायबरेली के गुसवापुर गांव में बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर मासूम दलित बच्चे की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी है। परिजनों की अनुपस्थिति में हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक का पिता भट्टे पर मजदूरी करता है और मां निमंत्रण के लिए बाहर गई थी, मौका पाकर हत्यारों ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। कंट्रोल रूम के मास्टर की सूचना प्राप्त हुई कि एक प्रांशु नाम के 12 वर्षीय बच्चे की का शव उसके कमरे में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी भी पहुंचे
और पहुंच के छानबीन की गई तो ये देखा गया कि प्रांशु एक बंद कमरे में अपनी बहन के साथ सो रहा था और किसी इंट्रूडर ने, अब किन परिस्थितियों में वो दरवाज़ा खुला, कैसे खुला, इस पर जाँच चल रही है, अंदर घुस करके उस बच्चे की वहीं प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र के अधिवक्ता कक्ष में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण चैम्बर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अधिवक्ता ने बताया कि षड्यंत्र के तहत चैम्बर में आग लगाई गई है, जिससे चैम्बर में रखे दस्तावेज नष्ट हो जाए। उप जिलाधिकारी सार्थक अग्रवाल ने पूरे प्रकरण की सख्ती से जाँच पड़ताल करने के निर्देश जारी किए हैं। आग लग गई है और सुबह एक अधिवक्ता ने फोन किया था, यहाँ तक घूमने आते हैं, लेकिन शुक्ला उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। अब यहाँ फायर ब्रिगेड बने आए, आपको दिखाए तब हम सूचना। पिछले एक हफ्ते में हड़िया तहसील में दो बार आग लग चुकी है, कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट वजह बताया गया या साजिश? नहीं, साजिश है, जान बूझ के लगाई आग लगाई गई है। यहाँ चार बेंच थे वहाँ पे जहाँ पे आग लगी है, करीबन 15 से 20 व्यक्ति वहाँ बैठते थे, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, कोई वहाँ पर था नहीं उस समय, लेकिन काफ़ी फाइलें, पुराने दस्तावेज, डेस्क। श्रावस्ती के इकोना कस्बे के सीओ कार्यालय तिराहे के पास अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार किराने की दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान संचालक और ग्राहक बुरी तरीके से सुरक्षित हैं, वहीं दुकान में रखा सारा सामान नष्ट हो गया। उसकी कुछ गाड़ी की आवाज सुनी, सामने से आ रहा था, बहुत तेज से आवाज हो रहा था, तो हम लोग घूम के देखे तो पता चला कि अपने सामने पूरी गाड़ी आ रही है। दुकान में सब लोग हम भगे हैं। तो आपके दुकान में घुस आई थी? ये सामने घुस आया था यहाँ तक। कौन क्या था, कौन सा बाइक था, ये कार था? कार थी, कार। कौन चला रहा था? प्रयागराज के हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह ने हरित शादी की परंपरा की शुरुआत की है। पर्यावरण की चिंता को देखते हुए हरित शादी की रस्मों का हिस्सा बनाया जा रहा है। वर वधु को उपहार में आभूषण, गहने नहीं, हरे पौधे गिफ्ट किए जा रहे हैं। परिणय संस्कार में आमंत्रित हरियाली गुरु प्रोफेसर एनबी सिंह पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित अपने मिशन ग्रीन को लेकर वर वधु को जिंदगी की इस नई शुरुआत पर हरे पौधे तोहफे के तौर पर भेंट किए और वर वधु से पौधे की रक्षा का वचन लिया और 7 फेरों के पहले 5 हरे पौधों का उपहार देकर पौधों को संरक्षित रखने का संकल्प दिलाया है। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं जो कि प्राणवायु है। प्राणवायु के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे उपयोग में लाते हैं, अपने भी हमारे भी, भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं, टिम्बर बनाते हैं, ये बना करके हमको वापस करते हैं पौधे। रोटी, कपड़ा, मकान हमको वृक्षों से मिलता है। वृक्ष 60 डिग्री तापमान कम करते हैं। रायबरेली के सदर तहसील के देदौर गांव में बाग में काटे गए महुआ के पेड़ के जड़ की खुदाई में तलवारें व बंदूक निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने तलवारों व बंदूक को अपने कब्जे में लेकर इसकी जाँच शुरू कर दी है। ये आपे के बाग है? ये हमारी बाग। क्या हुआ है? ये खूंट खुदवा रहे थे, उसमें जो है तलवारें और बंदूकें निकले जड़ के नीचे। कैसे जानकारी हुई आपको? उसमें जैसे में फंसी तो जानकारी हुई कि इसमें जो है तलवार निकली है, देखा गया तो उसको बुलाया गया। ये खुदाई हो चुकी है कभी और उसमें खुदाई कराएंगे? नहीं, अभी तो हो नहीं पाई, फिर बाद में खुदाई और होगी। महुआ के ठूंठ खोदे जा रहे थे, उसी के अंदर जो है तलवार, 3 तलवार, 1 बंदूक निकली। ये कटान कब हुई थी? कटान मतलब पेड़ गिर गया था, उसी वही काटे जा रहे थे। अच्छा, काटे जा रहे। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार ये गांव का बाबा कहते हैं। अच्छा, कैसे मालूम हुआ आप लोगों को यहाँ पे तलवार है? ठूंठ खोदा जा रहा तो जो है पता लगा कि जो है नीचे निकली तो लोग देखी नहीं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।